उदयपुर जिले में सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया के नेतृत्व में जिला चिकित्सा अधिकारियों ने किया विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण। जी हां, आपको बता दें उदयपुर में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर बामनिया के निर्देशन में जिला चिकित्सा अधिकारियों ने आज अलग अलग संस्थानों पर औचक निरीक्षण किया है। मुख्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शंकर बामनिया ने बताया कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापनगर और मावली क्षेत्र के सनवाड़ और फतेहनगर के चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया है। प्रतापनगर में मरीजों की संख्या को देखते हुए एक और चिकित्सक उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। कम जगह में अच्छे काम की सराहना करते हुए स्टाफ को EKYC पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहां से मावली और फतेहनगर के चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया गया। सनवाड़ में ऑक्सीजन प्लांट को सप्ताह में एक बार चालू कर चेक करने के निर्देश दिए। RMRS की बैठक कर भवन की मरम्मत और रख रखाव और व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। फतेहनगर में नए भवन का अवलोकन किया और अस्पतालों को नए भवन चलाने के लिए गांव वालों से चर्चा की। डिप्टी CMHO डॉक्टर अंकित जैन ने नांदेशमा पडावली और पही के चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। पडावली में बायोमेट्रिक मशीन ठीक करवाकर 2 दिनों में चालू करने के निर्देश दिए। एडिशनल CMHO डॉक्टर रागिनी अग्रवाल ने UPHC गोपालपुरा और प्रतापनगर का निरीक्षण किया। वहां व्यवस्थाओं और साफ सफाई का संतोषजनक पाई गई। RCHO डॉक्टर अशोक आदित्य ने गिरवा क्षेत्र के देवाली सागरोदा और कुराबड़ क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। देवाली और कुराबड़ में अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। DPC DDW डॉक्टर मोहन सिंह धाकड़ ने बड़गांव BCMO डॉक्टर अरुण चौधरी के साथ लोसिंग और वाटी चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। साफ सफाई सही नहीं पाई तो हाथों हाथ सफाई करवाई, दवाइयाँ कम मिली तो इंडेन कर मंगवाई गई। DPM सदाकत मोहन अहमद ने ऋषभ देव के कल्याणपुर पीपली बी और सब सेंटर राजौर का निरीक्षण किया। सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पाबंद किया। साथ ही सभी BCMO ने अपने क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।